हे आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है फिक्स माई डिज़ाइन का एपिसोड नंबर 7। तो यहाँ पे मैं रैंडमली किसी भी पोस्ट को पिक कर उसे रिक्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका भी डिज़ाइन है, अगर आप अपने डिज़ाइन को रिक्रिएट करवाना चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज हम इस पोस्ट को कम टाइम में रिक्रिएट करने वाले हैं। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच करते हो तो इस वीडियो के लास्ट में मैं एक ऐसा टिप्स आपको बताने वाला हूँ जिसे यूज कर आप अपने डिज़ाइन को और इन्हेंस कर सकते हो। तो आई होप कि इस वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सो प्लीज़ इस वीडियो को फुल वॉच करना। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे एक पेज क्रिएट किया है, ठीक है। विड्थ एंड हाइट यहाँ पे मैंने सेम लिया है, 1080 एंड 1080, ठीक है। तो आज मैं जिस पोस्ट को रिक्रिएट करने वाला हूँ उसे हम लोग एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली ये पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो कंटेंट है वो मैं सेम लूंगा। इस इमेज को मैं फ्री पिक से क्रिएट डाउनलोड करूंगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ और इमेज यहाँ पे जनरेट करेंगे और बाकी का यहाँ पे कलर कोड वगैरह यहाँ पे मैं सारा कुछ यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। अभी के अकॉर्डिंग मैं इसे अपने वे में क्रिएट करूंगा। ये बहुत ही ओल्ड वेज टाइप का डिज़ाइन है, ठीक है, ये जो पहले चलता था, बट अभी के टाइम में आप इसे और भी बेहतर तरीके से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इस पोस्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्पेस वगैरह जो टेक्स्ट का गैपिंग का स्पेस है वो ठीक है, वो हम लोगों को यहाँ पे सही करना है। एक तो इस पोस्ट में हम अपने टाइपोग्राफी को सही करेंगे और कलर कोड वगैरह यहाँ पे चेंज करेंगे, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे फ्री पिक से एक इमेज डाउनलोड किया था, ठीक है। ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा या फिर आप रैंडमली किसी भी इमेज के साथ जा सकते हो। तो मैं जस्ट इस इमेज के साथ अभी के लिए जा रहा हूँ। एंड देन सेकंड चीज जो हमारा बैकग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे काफी लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि बैकग्राउंड कहाँ, बैकग्राउंड का कलर हम कहाँ से पिक करें। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में वही बताया था आपको, अगर आपके ब्रांड का कोई कलर कोड वगैरह नहीं है तो आप इस इमेज से पिक कर सकते हो कलर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिप का कलर, यहाँ पे नेल में जो कलर है वो ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये कलर चूज किया, ठीक है, इनके नेल से, नेल कलर से, और जस्ट क्लिक इट ओके यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। अगर आपके पास ब्रांड का कलर कोड है तो आप उसके साथ ही जाना, ठीक है। यहाँ पे मैं रैंडमली आपको यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूँ। एंड देन इस इमेज पे रहते हुए अपने को जाना है फिल्टर और कैमरा और फिल्टर। कैमरा और फिल्टर पे आने के बाद इस इमेज में हम एक डिटेल्स में जाने के बाद यहाँ पे शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, नॉइज रिडक्शन को मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा, ठीक है, अराउंड 40 के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक देख सकते हो कि इमेज में शार्पनेस आना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिक पे आने के बाद यहाँ पे मैं टेक्स्चर को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा, क्लैरिटी को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट को मैं थोड़ा सा लेकर के जाऊंगा, ठीक। एंड कलर ग्रेडिंग वगैरह आप यहाँ पे मिड टोन्स दे सकते हो, शेडोज को यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे मैं हाईलाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा एंड जस्ट क्लिक इट ओके। तो अब आप देख सकते हो कि पहला हमारा ये इमेज था और अब ये रहा, ठीक है। ऑलराइट, सो इस इमेज को यहाँ पे सेट करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे एड लेयर मास्क कर लेंगे, ठीक है, और अपने को आ जाना है यहाँ पे ग्रेडियंट टूल पे। ग्रेडियंट टूल पे आने के बाद जस्ट यहाँ पे ब्लैक और ये व्हाइट ट्रांसपेरेंट में आपको यहाँ पे बेसिक वाले सेक्शन में दिख जाएगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट चूज करना एंड ओके करके इस वाले पे सिलेक्ट रहना है आपको, और जस्ट शिफ्ट को होल्ड करके यहाँ से इसे इरेज करेंगे इस टाइप से, ठीक है। आप ब्रश टूल से भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको लग रहा है एरिया को और इरेज करना है तो आप ब्रश टूल से भी यहाँ पे कर सकते हो। तो इस टाइप से मैंने यहाँ पे इस इमेज के नीचे का लेयर को इरेज किया है। अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच करते हो तो मैं इस वीडियो के लास्ट में एक ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, कि आप अपने पोस्ट को, जब आपका पोस्ट रेडी हो जाता है तो उसे आप शार्पनेस कैसे ला सकते हो उस पोस्ट को, ठीक है, और उसे क्लियर कैसे दिखा सकते हो। तो प्लीज इस वीडियो को फुल वॉच करना, आपको इस वीडियो में आखिरी में कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो हमारा यहाँ पे ये इमेज रेडी हो गया है और जो हमारा कंटेंट था, ठीक है, वो यहाँ पे अब हम प्लेस करेंगे। हमारा जो कंटेंट था, द बेस्ट प्लान फॉर योर बिजनेस, जस्ट मैं उसे यहाँ पे टाइप करूंगा। तो उसके लिए अपने को जाना है टेक्स्ट टूल पे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फॉन्ट यूज कर रहा हूँ, MVSEVM करके, ठीक है, ये इजिली आपको गूगल पे मिल जाएगा या फिर आप यहाँ पे कोई भी बोल्ड फॉन्ट यूज कर सकते हो। और ये हमारा कंटेंट मैंने यहाँ पे प्लेस किया, इसके साइज को मैं यहाँ पे कम करूंगा, ठीक है, और इसके फॉन्ट के बीच के डिस्टेंस को भी यहाँ पे मैं कम करूंगा। तो द मैं अभी लिखूंगा, ठीक है, द बेस्ट प्लान फॉर योर बिजनेस, ठीक है। तो मैं द प्लान फॉर योर बिजनेस, ठीक है, ऐसे इस टाइप से मैंने यहाँ पे इसे लिखा,
एंड यहाँ पे मैं द प्लेस करूँगा। इस इमेज को अभी के लिए हम लॉक कर लेंगे, ठीक है, एंड इसे सिलेक्ट करके इस बैकग्राउंड को भी सिलेक्ट करेंगे, लॉक कर लेंगे, और इसे सिलेक्ट करके यहाँ से अलाइन कर लेंगे। सी तो द का जो फॉन्ट है वो मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, ठीक है, तो वो मैं यहाँ से क्रिएशन डेमो करके एक फॉन्ट है, कैप्स लॉक ऑफ करेंगे, ठीक, और द को मैं यहाँ पे बड़ा दिखाऊंगा कैप्स लॉक में, एंड इसे हम लोग थोड़ा सा बिगर कर लेंगे, और इस टाइप से हम यहाँ पे टाइपोग्राफी को सही करेंगे, ठीक है। अगर आप इस टाइप से दिखाते हो, ठीक है, द बेस प्लान फॉर योर बिजनेस, तब देख सकते हो कि ये हमारा इस टाइप से दिखेगा, बट यहाँ पे हम अपने टाइपोग्राफी को थोड़ा सा सही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे योर बिजनेस को यहाँ पे मैं हाईलाइट करूँगा, तो इसे मैं थोड़ा सा बिगर करूँगा, और तो इस फॉन्ट के बीच के डिस्टेंस को आप इतना रखना कि मतलब ये रीडेबल हो, ठीक है, और ज़्यादा गैप भी यहाँ पे सही नहीं लगेगा। तो जस्ट मैंने यहाँ पे इसे प्लेस किया, और प्रेस कंट्रोल टी करके साथ थोड़ा सा और बिगर कर सकते हो। ऑलराइट, एंड देन यहाँ पे मैं बैकग्राउंड में एक टेक्सचर डालूंगा फॉन्ट का, ठीक है, बैकग्राउंड में, तो यहाँ पे मैं बिजनेस को कॉपी करूँगा, ठीक है, और ऑल्ट को होल्ड करके यहाँ पे प्लेस कर लेंगे, और इस बिजनेस को मैं यहाँ पे बिगर करके यहाँ पे प्लेस करूँगा, सी इस टाइप से, ठीक है, और सिलेक्ट कंट्रोल को सिलेक्ट करके बैकग्राउंड के साथ सिलेक्ट करके इसे सेंटर अलाइन कर लेंगे, सी। तो मैंने यहाँ पे इसे टेस्ट किया, ठीक है, तो इस बिजनेस जो मैंने टेक्स्ट है वो इमेज के नीचे लाएंगे, और ऑल्ट को होल्ड करके इसे डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे अगेन डुप्लीकेट, एंड इन तीनों को सिलेक्ट करके अगेन डुप्लीकेट, तो ये हमारा कट जाएगा, ठीक है, सी। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा ये टेक्स्ट यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है, इसे राइट क्लिक करके आप कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लो, ये सारा लेयर मर्ज हो जाएगा, और इसके ब्लेंडिंग ऑप्शन को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। सॉफ्ट लाइट पे मैंने यहाँ पे हिट किया, और यहाँ पे मैंने 20 पे हिट किया, ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत ही कम इसे यहाँ पे शो करूंगा, 20-25 के अराउंड, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक अलग फील देना स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन इस टेक्स्ट पे मैं ब्लर डालूंगा, ठीक है, तो गॉशियन ब्लर में जा करके यहाँ पे मैं अराउंड 2-3 पिक्सल हिट करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा ब्लर में से दिखाएंगे, ठीक है, एंड सी। ये जस्ट एज अ एलिमेंट है यहाँ पे बैकग्राउंड में टेक्सचर डालने के लिए, ठीक है, फोकस करने के लिए, तो आप इस टाइप से टेक्सचर को यहाँ पे दिखा सकते हो, सी। अगर आपको ये ब्लर ज़्यादा लग रहा है तो आप यहाँ पे 2 पिक्सल के साथ भी जा सकते हो, एंड इसे भी हम लोग यहाँ पे अब लॉक कर लेंगे, ओके। सो यहाँ पे मैं बिजनेस के फॉन्ट का कलर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, ठीक है, येलोस में जाएंगे इसका कॉम्बिनेशन, ठीक है, मैंने इस रेड के साथ का कॉम्बिनेशन चूज़ किया, एंड देन यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस पोस्ट था, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा यहाँ से मैंने इसका येल्लो ही उठा लिया है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा कॉम्बिनेशन है वहाँ पे वो सेट कर रहा था, और जो यहाँ पे मोबाइल नंबर है, ठीक है, और वेबसाइट है यहाँ पे, ठीक है, तो उसे हम लोग यहाँ पे अपने वे में क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए रेक्टेंगल टूल पे आएंगे और जस्ट एक यहाँ पे शेप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एंड शेप ड्रॉ करने के बाद ये वाला पैनल आपके पास ओपन हो जाएगा, और इसे हम लोग यहाँ से राउंड कर लेंगे। अगर ये पैनल आपके पास ओपन नहीं हो रहा है तो मैंने पिछले वाली वीडियो में भी आपको बताया था, अगर आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप वॉच कर रहे हो मेरे वीडियो को, ठीक है, तो आपको पता होगा कि मैं यहाँ पे इस पैनल को कहाँ से ओपन करता हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियोज़ को पिछले वाली वीडियोज़ को मैं ज़रूर वॉच करना, ठीक है, या फिर मैं बता देता हूँ आपको वीडियोज़ के सेक्शन में ये प्रॉपर्टीज़ का पैनल आपको ओपन हो जाएगा, ठीक। तो जस्ट मैंने इसे यहाँ पर राउंड किया, ठीक है, एंड यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने 24 पिक्सल, ठीक, 21 पिक्सल पे मैंने इसे हिट किया राउंडनेस को, और इसे मैं थोड़ा सा और नीचे लेके करके आता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ से इन फॉन्ट के साथ मैं यहाँ पे अलाइन कर लेता हूँ, सी, ओके। एंड देन यहाँ पे जो हमारा मोबाइल नंबर था वो मैं रैंडमली यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, तो जस्ट टेक्स्ट टूल पे जाएंगे और यहाँ पे मैं फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोफाइल एक नॉर्मल दूसरे फॉन्ट के साथ जा रहा हूँ, तो जस्ट मैंने यहाँ पे नंबर को रैंडमली पेस्ट किया, ठीक है, एंड इस वाले शेप को एक और डुप्लीकेट करेंगे प्रेस कंट्रोल जे से, ठीक, और प्रेस कंट्रोल टी करके इसे थोड़ा सा स्मॉल करेंगे, इसे यहाँ पे लाएंगे, ठीक है, अभी आपको कलर विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो जस्ट डबल क्लिक करके इसे यहाँ पे इस टाइप से दिखाएंगे, ठीक है,
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे CTA को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। एंड देन यहाँ पे एक आइकन को भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। कॉल नाउ का मैं यहाँ पे आइकन फ्लैट आइकन से डाउनलोड किया था, तो वो मैं जस्ट आपको प्लेस करके दिखा रहा हूँ। सी, तो इसे आप स्मॉल करोगे और यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है। एंड इफेक्ट्स पे जाने के बाद कलर ओवरले एंड वाइट सी, एंड देन इस शेप को हम लोग यहाँ पे थोड़ा स्मॉल कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि इस टाइप से यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे एक शेप को क्रिएट कर लिया है। एंड देन यहाँ पे जो वेबसाइट था वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं जस्ट ऑल्ट के साथ होल्ड करके इसके कलर को मैं चेंज करूँगा और मैं यहाँ पे रैंडमली एक वेबसाइट डाल के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। सी, इसे लॉक करके और इसे सिलेक्ट करके यहाँ से अलाइन कर लेंगे, ठीक है। सी, तो इस टाइप से हमारा वेबसाइट भी यहाँ पे प्लेस हो गया, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारा यहाँ पे प्लेस हो गया। अब हमारे यहाँ पे आता है ज्वाइन नाउ, ठीक है, लोगो और सोशल मीडिया का हैंडल, ठीक है। तो उसे हम कहाँ पे प्लेस करेंगे वो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट टेक्स्ट टूल पे जाएंगे और यहाँ पे मैं वाइट कलर चूज करूंगा और यहाँ पे जो आपका वेबसाइट है, ठीक है, वो यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो। मैं जस्ट यहाँ पे फॉलो लेके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और हमारा जो फॉन्ट था, ये फॉन्ट फॉन्ट के साइज को कम कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। डिस्टेंस को मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा और प्रेस कंट्रोल टी करके इस टाइप से यहाँ पे आप फॉलो का बटन यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। और इस टाइप में अगर आपके पास और कुछ कंटेंट है तो वो आप दिखा सकते हो। तो मैं जस्ट यहाँ पे बिजनेस मैन यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये दोनों को कंपेयर में लेकर के चल सके, ठीक। एंड यहाँ से इस फॉन्ट प्रेस कंट्रोल आर करके, ठीक है, आप यहाँ पे रूलर कर लो तो इसके अंदर यहाँ पे आप अलाइन कर सकते हो इस टाइप से। तो ये आपको देखने में कुछ सही लगेगा, ठीक है। तो अलाइनमेंट का यहाँ पे फोकस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सी, तो अब यहाँ पे आप यहाँ पे इस टाइप से दिखा सकते हो। और इसे और बेहतर करने के लिए पेन टूल पे चले जाएंगे, स्ट्रोक फिल को बंद करेंगे और जस्ट यहाँ पे रूलर को ऑन करेंगे, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, और शिफ्ट को होल्ड करके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके 2 पिक्सल में से हम हिट करेंगे, ठीक है। और इसे जस्ट यहाँ पे प्लेस किया और ऑल्ट को होल्ड करके इसे यहाँ पे सेट कर लेंगे इस टाइप से, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे एक डिज़ाइन का ये पार्ट हो गया है, ठीक है। तो ये बिजनेस का जो हमारा लेटर का स्टार्टिंग वर्ड है वहाँ से मैंने इसे सेट किया। अब फॉलो यहाँ पे सोशल मीडिया का हैंडल लगा सकते हो, ऑलराइट। तो अब हमारा यहाँ पर जो वर्ड बचा है ज्वाइन नाउ और लोगो, लोगो अगर आप कॉर्नर पे, अगर आपका गाइडलाइन के हिसाब से अगर आप कॉर्नर पे जा रहे हो तो यहाँ पे ही प्लेस करना आप, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग अभी के लिए प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट एक शेप ड्रॉ करेंगे समथिंग लाइक दैट, और 21 पिक्सल मैंने यहाँ पे लिया था इस वाले कॉर्नर का, तो सेम आप लेना, ठीक है, इसे ज़्यादा ये मत कर देना। और जस्ट मैंने यहाँ पे प्लेस किया एंड इफेक्ट्स पे आके ड्रॉप शैडो जाएंगे, ठीक है। और ड्रॉप शैडो यहाँ पे जो मैं यूज करूंगा, सी, डिस्टेंस को मैं यहाँ पे कम करूंगा, साइज को भी यहाँ पे मैं समथिंग लाइक दैट, एंड ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा कम करूंगा। मेक श्योर ध्यान रखना कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डार्क मत देना, ठीक है, फिर ये आपको गंदा फील देना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मिनिमल यहाँ पे 15 to 16 मैंने यहाँ पे हिट किया एंड क्लिक हिट ओके। तो इस टाइप से यहाँ पे आप दिखा सकते हो, ठीक है। एंड इसे डुप्लीकेट कर लो यहाँ पे, इसे थोड़ा सा स्मॉल करके इसे यहाँ पे प्लेस कर लो। तो इस वाले पार्ट में हमारा जो ज्वाइन नाउ का बटन था वो मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा ऑल्ट को होल्ड करके, और यहाँ पे मैंने ज्वाइन और नाउ यहाँ पे लिखा और इसे अपने इस शेप के ऊपर में यहाँ पे प्लेस करेंगे। कलर चेंज कर लो एंड प्रेस कंट्रोल टी करके इसे यहाँ पे सेट करके अच्छे से यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। स्टेप से अलाइनमेंट कर लो और ये बटन को यहाँ पे मैं प्लेस कर रहा हूँ। सी, आप इसे थोड़ा सा बिगर कर लो, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका लोगो है वो आप यहाँ पे लोगो प्लेस कर सकते हो, प्रेस कंट्रोल टी करके इसे थोड़ा सा हम स्मॉल कर लेंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करके आप सेंटर अलाइन कर सकते हो। सी, तो यहाँ पे मैंने एक ज्वाइन नाउ का बटन यहाँ पे डाला और लोगो आप इधर दिखा सकते हो। अगर आपके ब्रांड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग लोगो
राइट साइड या लेफ्ट साइड में प्लेस है तो आप वहाँ पे दिखा सकते हो। आप इस सोशल मीडिया का हैंडल को आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा, इसे आप थोड़ा सा और नीचे भी प्लेस कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एंड देन यहाँ पे कुछ इफेक्ट में यूज करूँगा, तो आप न्यू लेयर करोगे, ठीक है, ब्रश टूल पे आ जाओगे, तो मेरा जो कलर है वो ये यूज करूँगा, ठीक है। और ब्रश साइज को मैं थोड़ा सा बिगर करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक और लेयर लेंगे और इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस वाले के साथ मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन को चेंज करूँगा, तो आप देख सकते हो कि ये आपको कहाँ पे ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। तो मैं स्क्रीन में जाऊंगा और इसके ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करके इसे यहाँ पे प्लेस करेंगे इस टाइप से, ठीक है। थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए अगेन मैं इसके साथ भी यही करूँगा। आप कलर डोज के साथ यहाँ पे मैं जाऊँगा, ठीक है। आप इसके साथ भी देख सकते हो कि कलर डोज के साथ भी ये बेहतर लग रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसके साथ जा सकते हो, वो आप देख सकते हो कि आपको किसके साथ ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। तो इस इमेज पे अगर आप ड्रॉप शैडो डालना चाहते हो, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। सिंपली ड्रॉप शैडो पे यहाँ पे मैंने डाला था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही कम में यहाँ पे मैंने दिखाया है, ठीक। तो आप इस टाइप से नॉर्मल ड्रॉप शैडो यहाँ पे दिखा सकते हो। एंड इस शेप को मैं, इसे हम लोग लॉक कर लेंगे, ठीक है। और इसे मैं थोड़ा सा और स्मॉल कर लेता हूँ, इमेज को लॉक और इसे सिलेक्ट करके अलाइन कर। ऑलराइट, तो यहाँ तक हमारा जो डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कि आपको यहाँ पे मैं कुछ और भी टिप्स देने वाला हूँ कि आपके इमेज में और शार्पनेस यहाँ पे दिख सकता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल सेफ ऑल्ट और ई प्रेस करना है, तो ये आपका एक लेयर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। एंड देन गो टू फिल्टर, कैमरा और फिल्टर पे आ जाना, एंड यहाँ से क्या करना है, बेसिक पे आ जाना, ठीक है। बेसिक पे आने के बाद कॉन्ट्रास्ट को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना, ठीक है। आप इमेज पे देख सकते हो, तो यहाँ पे मैंने 20 रखा और शैडो को मैं थोड़ा सा कम कर सकता हूँ, ठीक है। क्लैरिटी को आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर लेना, एंड डिटेल्स में आने के बाद शार्पनिंग को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा और नॉइज रिडक्शन को भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा, ओके। एंड देन इफेक्ट में आने के बाद इस वेगनेटिंग के यहाँ पे थोड़ा सा ये करूँगा और ग्रेन को यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा, समथिंग लाइक दैट। कलर ग्रेडिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, ज़्यादा ही मत करना है वरना यहाँ पे कलर कोड से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे ये सेटिंग करके आपको क्लिक हिट ओके करना है, तो आप देख सकते हो कि ये पहले ये था, पहले ये था और अब ये रहा, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे शार्पनिंग दे सकते हो, ठीक है, इमेज पे एक टेक्सचर के साथ। ऑलराइट, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको ज्यादा कलर के बाहर नहीं जाना है, ठीक है। आप नॉर्मल ग्रेन टेक्सचर वगैरह यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। तो आई होप कि इस वीडियो से भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।